नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। हर साल 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं आज के दिन दुनिया भर में वैज्ञानिक में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका का जश्न मनाते हैं। इस साल इस इवेंट के आयोजन को 8 साल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने विज्ञान में महिलाओं व लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या बढ़ाने और लड़कियों को हर संभव समर्थन देने की अपील की है, ताकि वे भी भविष्य में विज्ञान जगत में अपनी ज़्यादा उपस्थिति दर्ज करा सके। वहीं 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ऐलान किया था। वहीं आज ही के दिन यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा लागू किया गया है। यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकता लैंगिक समानता है। ये युवा लड़कियों को उनकी शिक्षा में सहायता प्रदान करता है और उन्हें अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही UAG का लक्ष्य है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान में पूर्व और सम्मान पहुँचे और भागीदारी हासिल हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक समानता और को बढ़ाना है। यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकता लैंगिक समानता है, जो शिक्षा में लड़कियों को समर्थन करता है और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के 8वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम इनोवेटिव दिखाना, ऊपर उठाए, एडवांस, संस्थान और सम्मान विकास के लिए आगे लाना है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का फोकस इस बात पर कि कैसे सशक्त विकास लक्ष्य विकास में महिला और लड़कियों की भूमिका से जुड़ते हैं।